नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में डिटेल करेंगे एक अकाउंटेंट को इनकम टैक्स का क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। आज की वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, यदि आपको इनके बारे में बेसिक आइडियाज़ हो जाते हैं तो आप अपने अकाउंटिंग करियर में ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से अपना अकाउंटिंग का काम है वो कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती है, वही सब आपका इनकम टैक्स का रिटर्न का पार्ट बनता है। क्या क्या इनकम रिपोर्ट होती है, किस तरीके से डिडक्शंस क्लेम किए जाते हैं, यदि ये चीज़ें आपको आती है तो आपको इनकम टैक्स की एडिकेट नॉलेज आप गेन कर लेते हैं। हेड बाय हेड चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है साथियों इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि ITR में जो आप इनकम रिपोर्ट करते हैं, यदि सैलरीड इनकम किसी की है, यानी कि जिसकी आप ITR फाइल कर रहे हैं, वो यदि सैलरीड बंदा है, नौकरी पेशा आदमी है, तो उसकी आप इनकम रिपोर्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में। नेक्स्ट आता है आपका साथियों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि SSC के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे कॉमर्शियल है, हाउस प्रॉपर्टी उसने लेट आउट की हुई है और उसके बदले में उसको हर महीने कुछ रेंट मिलता है, तो वो जो रेंट की इनकम है वो आपको रिपोर्ट करनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसके बाद थर्ड हेड आता है इनकम का, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, यानी कि जिसका व्यापार है या कोई प्रोफेशनल बंदा है, प्रोफेशन से उनकी इनकम जनरेट हो रही है, तो जो बिजनेस की इनकम प्लस प्रोफेशन की जो इनकम है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में आपको रिपोर्ट करनी होती है। नेक्स्ट हेड आता है साथियों कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यदि किसी को मिल रहा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस गेन को रिपोर्ट किया जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि दोनों हेड जो हैं इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की रिपोर्टिंग अलग अलग है। इसके बाद हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि जिनकी सैलरी की इनकम नहीं है, रेंट की इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, इन सब के अलावा जितनी भी इनकम बच जाती है, यानी कि ये जो चार हेड अपन ने डिस्कस किए हैं उनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करती है इनकम, तो आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है, और इनके अलावा जो भी इनकम आपकी है वो आ जाती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मान लीजिए टैक्स पेयर ने कोई FD बुक कर रखा है बैंक में और उस FD पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट है उसका जो इंटरेस्ट है, ये सब रिपोर्ट होते हैं आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये तो बात हो गई साथियों इनकम का, ये जो हेड्स हैं यानी कि किन हेड्स में आपको पर्टिकुलर इनकम आपकी रिपोर्ट करनी है। तो फर्स्ट फेज है ये इसका ITR का होता है, किन हेड्स में आपकी इनकम को रिपोर्ट किया जाना है। इसके बाद साथियों बात आती है डिडक्शंस की, क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल है। डिडक्शंस में आप समझिए, मान लीजिए LIC है, इसका प्रीमियम पेमेंट किया हुआ है तो इसकी आपको डिडक्शंस मिल जाता है सेक्शन 80 का। यदि किसी ने मेडिक्लेम का पेमेंट किया है प्रीमियम का, इसका सेक्शन 80D में आपको डिडक्शन मिल जाता है। कोई डोनेशन वगैरह दिया हुआ है और ये डोनेशन ऐसे किसी संस्था को दिया गया है जो कि 80G जो सेक्शन है उसमें रजिस्टर्ड है, तो आपको 80G में जो भी कैटेगरी है 50% 100% उसके अकॉर्डिंगली आपको 80G का रिडक्शन मिल जाता है। कोई रेंट आपने पे किया है, यानी कि आपका खुद का मकान नहीं है और आप रेंट पे रह रहे हैं, तो जो रेंट आपने पे किया है उसकी आपको रिबेट मिल जाती है। इस तरीके से डिडक्शंस के जितने भी हेड्स हैं वो आपको डिडक्शंस का पता होना चाहिए। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं साथियों, इनकम किस तरीके से रिपोर्ट होगी, साथ में उस जो टोटल इनकम आपने रिपोर्ट करी है उसमें से क्या क्या आपको डिडक्शंस अवेलेबल हैं। इन्हीं का सबका जो कह सकते हैं कि टोटल जो आता है वो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में आपको रिपोर्ट करना होता है। बेसिकली हम इनकम टैक्स की रिपोर्ट में रिपोर्ट क्या करते हैं कि जिस भी SSC की आप ITR की फाइल बना रहे हैं उसकी या तो टैक्स लाइबिलिटी होगी या TDS कटा हुआ है तो टैक्स का रिफंड होगा। जब आप ये डेटा तैयार कर लेते हैं, आपका सारी इनकम रिपोर्ट कर दी, जो जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं
वो आपने डिडक्शंस क्लेम कर लिए, तो जो नेट आपकी इनकम बचेगी टैक्सेबल इनकम, उस पर या तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, और यदि आपका TDS कटा हुआ है और TDS टैक्स लायबिलिटी से आपका ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए टैक्स की लायबिलिटी है 10,000 और TDS आपका कटा हुआ है 18,000, तो जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उससे ज़्यादा TDS आपका ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा है TDS के रूप में, तो जो नेट TDS आपका 8,000 रुपये ज़्यादा जमा है वो आपका TDS का रिफंड हो जाएगा। इनकम टैक्स की रिटर्न में आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देते हैं, तो जो बैंक अकाउंट की डिटेल आपने आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिया हुआ है उसमें आपका रिफंड एक स्पेसिफाइड टाइम जब ये रिटर्न प्रोसेस वगैरह हो जाती है उसके बाद आपके खाते में ये रिफंड आ जाता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आज के वीडियो में जो हमने डिस्कस करी है आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स की नॉलेज अकाउंटेंट को होना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग का जो काम है मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टैक्स एडवोकेट्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन चाहे आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, यदि आप खुद रिटर्न ITR की फाइल कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है ही है। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल खुद से नहीं भी कर रहे हैं, आपको सिर्फ CA को डेटा देना है या टैक्स एडवोकेट को डेटा देना है, तो भी आपको ये बेसिक जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। और यदि ये आपको बेसिक जानकारियाँ रहती है तो आप अपने अकाउंटिंग के फील्ड में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी किसी और जानकारी के साथ। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।